दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फाइनली बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन यूजर्स के लिए बहुत बड़ी अर्जेंट अपडेट निकल करके आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि अप्रैल और मई के महीने में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई नियर अबाउट $65,000 तक चला गया था। उसके बाद में क्या हुआ, लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, ऑल्ट कॉइन्स भी पंप हुए, बिटकॉइन भी पंप हुआ, पूरी फैमिली मेंबर्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट हुआ। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जब प्रॉफिट बुकिंग हुई तो बिटकॉइन ने यहां पर $30,000 तक लगभग गिर गया था। और वहां पर एक हमारे को बहुत ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली थी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था कि ऑलमोस्ट लास्ट चांस टू बाई बिटकॉइन नाउ। और वहां से अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो $30,000 से $54,000 तक बहुत अच्छे से चला गया था, क्योंकि मार्केट में पूरी वर्ल्ड वाइड पॉजिटिव न्यूज आ रही थी, बहुत ही अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली और मार्केट में बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स भी पंप हुए, चाहे वो जुलाई का महीना हो, अगस्त का महीना हो, अच्छी खासी प्रॉफिट पूरी फैमिली मेंबर्स को हो गया था। लेकिन उसके बाद में आप सभी लोगों को अच्छे से याद होगा कि $53,000 के जोन से 20% बिटकॉइन फ्लैश क्रैश हुआ और नियर अबाउट $43,000 तक क्रैश हो गया। अब इसके बाद में क्या हुआ, मार्केट में पूरी तरीके से निगेटिव न्यूज आना शुरू हो गई, फड आना शुरू हो गए, साउथ कोरिया से बहुत सारी निगेटिव न्यूज आ गई, अमेरिका से न्यूज आ गई, उसके बाद में चाइना का बैन न्यूज आ गई। इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में बहुत ज्यादा यहां पर पैनिक देखने को मिला और मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज में चलने लगी। उसके बाद अगेन हमारे को $40,000 के जोन में मौका मिला बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और जिसने भी रिस्क लिया अगेन उसको अभी आप देख सकते हो कि यहां पर $55,000 को भी बिटकॉइन ने क्रॉस कर दिया है। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि अभी हमने 28 सितंबर को मैंने क्या किया था, टेलीग्राम चैनल पर एक बिटकॉइन का अपडेट दिया था। तब बिटकॉइन जो टोटल मार्केट कैप होती है वो $1.8 trillion की थी, और उसके बाद में हमने मेजर रेजिस्टेंस बताया था 44,750 का, फिर $47,225 का, और उसके बाद में जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस था वो हमारा $51,225 का था। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट में बहुत अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज आई, इसकी वजह से बिटकॉइन अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता गया और बिटकॉइन अभी अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो नियर अबाउट $57,000 के जोन में चल रहा है। उसके बाद में आप सभी लोगों को हमने बताया था कि यहां पर बिटकॉइन जो है डोमिनेंस अभी जो है बहुत ही अच्छा खासा बन चुका है, मार्केट में बहुत ही अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज हो चुकी है और सब कुछ अच्छा चल रहा है पूरी वर्ल्ड वाइड जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं। अभी हमने 11 अक्टूबर को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दिया था कि $2.3 trillion की मार्केट कैप है और रेजिस्टेंस जो था वो $57,225 का था। अब आप खुद सोचिए कि जो हमारे मेजर सपोर्ट थे वो अब क्या होने वाले हैं, रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं, और जो हमारे रेजिस्टेंस थे वो सपोर्ट का काम करने वाले हैं। जैसे ही बिटकॉइन ऊपर जाता है तो जो नीचे वाले यहां पर रेजिस्टेंस होते हैं बैक साइड वाले, उस पे यहां क्या होता है कि सपोर्ट का काम करने लगता है, और जो नए नए रेजिस्टेंस होते हैं उनको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिटकॉइन बहुत ही जल्द अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने वाला है, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसी निगेटिव न्यूज नहीं आ रही है जिसकी वजह से बिटकॉइन $57,000 के जोन में चल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे ही एक दो पॉजिटिव न्यूज अच्छी खासी आई, बिटकॉइन आप देख लीजिएगा $60,000 जाएगा, फिर $65,000 जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एंड ऑफ ईयर $75,000 से लेकर के $1,00,000 तक बिटकॉइन जा सकता है। आपका क्या परसेप्शन है हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे, आप सभी लोगों ने भी नोटिस किया होगा मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स आ चुके हैं, उन सभी लोगों से आप लोग बच के रहिएगा।
और आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जितने भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो टेलीग्राम का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर बहुत सारी अपडेट्स शेयर करते रहते हैं। और आप सभी लोगों से आज यार बहुत दिन को बाद में यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत सारी रिसर्च, स्टडी, एनालिसिस करना पड़ता है, टाइम भी लगता है, वीडियो बनाना पड़ता है, स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ता है, उसके बाद में एक वीडियो बनता है। तो इसलिए आप लोग कम से कम लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। अपनी फैमिली को और मजबूत बनाना है, अभी 40,000 अपनी फैमिली क्रॉस कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और बहुत ही जल्द आने वाले टाइम में 50,000 भी हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए एक माइलस्टोन से कम नहीं होगा, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग वीडियो को आज से शेयर जरूर करिएगा। कम से कम अगर हम 1-2 घंटे 3 घंटे एक वीडियो के लिए टाइम स्पेंड करते हैं तो आप लोग 5 मिनट में टाइम निकाल करके वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए। आई होप कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई सारी स्टोरी बिटकॉइन की बात, अब हम बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स की, क्योंकि अपनी पूरी फैमिली हो या फिर जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ऑल्ट कॉइन में ही ट्रेड करके पैसा बनाते हैं। और इवन मैं भी ऑल्ट कॉइन में ट्रेड करता भी हूँ, करवाता भी हूँ, और ऑल्ट कॉइन जितना प्रॉफिट देते हैं उतना बिटकॉइन प्रॉफिट नहीं देता, ये चीज आपको भी पता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वहीं पर चलता है। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा हमारे को रिवॉर्ड भी मिलता है। तो अगर हम यहां पर ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो यहां पर एक प्रोसेस मैं बताना चाहता हूं आपको कि ऑल्ट कॉइन्स की रैली कैसे आती है। जो कैश फ्लो होता है वो क्रिप्टो करेंसी में इस तरीके से काम करता है, पूरी दुनिया में जितना भी कैश होता है, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सबसे पहले बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही ऊपर चला जाता है, जब उनको लगता है कि हाँ यहां से प्रॉफिट बुक करना चाहिए, तब लोग प्रॉफिट बुक करते हैं बिटकॉइन से। उसके बाद में लार्ज कैप जो होता है, जैसे इथेरियम हो गया, रिपल हो गया, कार्डेनो हो गया, टॉप 5 या टॉप 10 को आप लार्ज कैप में काउंट कर सकते हैं। यहां पर क्या होता है, लार्ज कैप में जब इन्वेस्टमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, अभी जैसे इथेरियम प्राइस चल रहा है बहुत ही अच्छा खासा, अगर यहां पर इथेरियम में आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कार्डेनो में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो लार्ज कैप के कॉइंस है, ऑलरेडी मैंने 10 कॉइन के 5 कॉइन के वीडियो शेयर किए हुए हैं, तो अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि लार्ज कैप बिटकॉइन के बाद में लार्ज कैप का ही नंबर आएगा और वो कॉइन आपको 15% 25% आराम से प्रॉफिट देने वाले हैं आने वाले दिनों में। और उसके बाद में जब लार्ज कैप कॉइंस पंप हो जाते हैं तो नंबर आता है मीडियम कैप वाले, जैसे मैटिक हो गया, WRX हो गया, ट्रोन हो गया, नॉर्मल कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट हो गए, उसके बाद में ये पंप होते हैं। जब ये कॉइन पंप होते हैं तो यहां से लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। उसके बाद में आते हैं लो कैप वाले कॉइन, जैसे सिया कॉइन हो गया, डिजीबाइट हो गया, वर्ज कॉइन हो गया, डॉज कॉइन हो गया, सिबा इनू हो गया, इस तरीके से जितने भी छोटे छोटे कॉइन्स हैं उनकी नंबर आता है और वो भी अच्छा खासा पंप करते हैं। तो यहां पर टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन जैसे ही बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का पैसा लार्ज कैप में जाएगा, मिड कैप में जाएगा, लो कैप में जाएगा, उसी तरीके से ऑल्ट सीजन आने की भी तैयारी हो सकती है। क्योंकि हिस्ट्री अगर हम बात करें 2013 की रेट चार्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2013 में मैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानता था, 2015 में आया, वहां से लेकर के आज तक देख रहा हूं कि रैली 2017-18 में भी आई है और हो सकता है 2021 या 2022 में भी रैली हमें देखने को मिल जाए। तो अगर ऑल्ट सीजन आता है तो हमारे पूरी फैमिली मेंबर्स को बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। कंडीशन यह है कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में आप लोग इन्वेस्टमेंट करके रखिएगा। अपॉर्चुनिटी जो है वो आ चुकी है, ऑल्ट कॉइन, अच्छे अच्छे ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, और ये जो डिप है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा खासा मौका है। और अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छे प्रोजेक्ट में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बॉटम ही चल रहा है, अगर क्रैश भी होगा तो थोड़ा बहुत मार्केट डाउन जाएगी, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर आपने अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो उन लोगों के लिए और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि लॉस में सेल करने का कोई मतलब नहीं है। और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि BTC पेयर में सिर्फ कॉइन जो है वो डाउन हो रहे हैं। अगर हम उनके INR पेयर की बात कर लें, या फिर डॉलर पेयर की बात कर लें, या फिर कोई अदर टेथर पेयर की बात कर लें, तो वहां पर ज्यादा डाउन नहीं हो रहे हैं। कहने का मतलब बिटकॉइन
क्वाइन जब ऊपर गया है इसकी वजह से ऑल्ट क्वाइन बीटीसी पेयर डाउन है, क्योंकि उसमें नया इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आ रहा है। जैसे ही बिटकॉइन से लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, ऑल्ट क्वाइंस में जैसे ही इंटर करेंगे, आज आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छा खासा मैसिव रैली हमारे को देखने को मिल सकता है। तो इसलिए यहां पर डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अच्छे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करते चलिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो आप पेशेंस रखिए, होल्ड रखिए। अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मार्केट अभी और नीचे जा सकती है तो मे बी थोड़ा सा और हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, लेकिन हो सकता है आप सेल कर दें और मार्केट वहीं से पंप हो जाए। क्योंकि ये चीज आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार लोगों के साथ में होता है, जितने दिन आप कॉइन को होल्ड करते हैं उतने दिन बिल्कुल भी पंप नहीं होता। अगर शिबा इनू की हम एग्जांपल लें तो वो 600-700 के जोन में एक चल रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने हो सकता है वहां पर सेल कर दिया हो कि इस कॉइन में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, और सेल करने के बाद में आप देख लीजिए 5-6x तक जा चुका है। तो इसलिए ऐसा बहुत बार होता है लोगों के साथ में, जब तक आप होल्ड रखते तब तक कोई भी पंप नहीं होता है, और जैसे ही आप सेल करते हैं वैसे ही क्या होता है कि कॉइन पंप हो जाता है। तो यहां पर आपको पेशेंस की जरूरत है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत है, और आप सेल के बजाय हमारे हिसाब से होल्ड कर लीजिए, क्योंकि यहां पर कम रिस्क हो जाएगा। और अगर आप सेल करेंगे और हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए तब तो अच्छी बात है, आपके पास थोड़ा सा ज्यादा ऑल्ट कॉइंस हो जाएंगे, लेकिन अगर इनकेस मार्केट ऊपर चली जाएगी तो आप बहुत ही ज्यादा पछता भी सकते हैं। तो इसलिए एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा, अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके रखिएगा। तो यही था आज के वीडियो में इंफॉर्मेशन। और हाँ, अगर आपने कोई भी ऑल्ट कॉइंस होल्ड किया है और आपको यह नहीं पता है कि ये ऑल्ट कॉइन सिट कॉइन है, बैड प्रोजेक्ट है या टॉप कैटेगरी के प्रोजेक्ट में है, तो अगर आपको यह चीज नहीं पता है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कौन सा अच्छा प्रोजेक्ट है, कौन सा बेकार है, किसके साथ में स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है। अगर वीडियो में 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए।